कि आप सड़क पे खड़े होकर जो पानी पूरी खाना वो बड़ा मिस करती हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ कभी कभी। पर हालांकि अब आप चाहें तो फाइव स्टार होटल में भी जाकर खा सकती हैं, तो क्यों पानी पूरी मिस करती है? जो हाथ में वो बोलता है मैडम क्या दही बड़ा, वो वाला वो जो फ्लेवर आता है वो जो हाथ उनके बहुत साफ सुथरे होते हैं, ऐसे करके ऐसे और जो वो एक के बाद एक के बाद एक, मतलब आपका खत्म हुआ नहीं कि एक और आ गया प्लेट में, वो मिस करती हैं आप? वो मिस करती हूँ। हाँ, क्या बात है यार। देखो, आई थिंक पानी पूरी गोलगप्पे वगैरह खाने का मजा ठेले के पास ही होता है, घर में मजा नहीं आता है। तो टेस्ट असली होता है वो जो नाखूनों में है ना मसाला। पर स्वाद उसी का। अच्छा, स्वाद से याद आया, आपका जो कार्तिक की फिल्म थी एक आकाशवाणी, उसमें जो किसिंग सीन था, स्वाद नहीं मतलब उसमें इन्होंने 37 रीटेक लिए थे ऐसे हमें पता चला है। 37 नहीं थे, कितने थे? 47 थे। मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, कार्तिक ने जब ये फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन किस किया ना, तो इन्होंने ये बहुत घबरा रहे थे ऐसा हमें पता चला है। अच्छा। और इन्होंने अपने डायरेक्टर से कहा कि आपको पता है कि किस कैसे करते, मुझे पता नहीं है। अच्छा, एक्टिंग तो आपने इंस्टीट्यूट से सीखी, झूठ बोलना कहाँ से सीखा? नहीं तो वो मेरी मम्मी की वजह से मैंने बोला था। अच्छा। कि मेरी मम्मी को बड़ा डर था कि मैं स्क्रीन पे किस कर रहा हूँगा। अच्छा। और उनके पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। नाना जी, आपके नाना जी, मतलब नानू स्ट्रिक्ट है काफी ऐसे, मतलब पूरे वो पता नहीं, ये ऐसा बोल रही थी कि उनको डर लग रहा था कि वो इन पे चढ़ेंगे कि ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों सोचा आपने? हमारे यहाँ सब लोग डॉक्टर्स हैं। किस वगैरह तो डॉक्टर भी करते होंगे, मतलब। अच्छा जी, तो फिर तो हम चाह रहे थे सभी कि ये आगे डॉक्टर ही बने, पर अच्छा इन्होंने एक्टिंग की वो करी कि मुझे एक्टर बनना है। तो फर्स्ट वो आता है कि नहीं स्क्रीन पे क्या करेगा, आई डोंट वांट हिम टू किस ऑन स्क्रीन, मेरे को नहीं अच्छा लगता। हमें अच्छा लगता है एक्चुअली। मेरे फादर और मेरे मदर भी अगेंस्ट थे कि एक्टिंग में नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। तो फिर मुझे लगता था कि फिर ये जाएगा और फिर ये सब भी देखेंगे सब, तो मुझे हो सकता है बाद में नानू अंदर खुशी हो रहे एक कमाल कर दिया कार्तिक ने। अभी मतलब अच्छा जा रहा बेटा, उसको आशीर्वाद दीजिए। हाँ। और कभी तो हम लोग ने पूरा सपोर्ट किया, दैट ही नोज द फैमिली हैज। अभी आप खुश है ना भाई बेटा? बहुत, सुपर हिट है, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। कार्तिक और कृति, आप दोनों की फिल्म लुका छिपी जो है बहुत सुपर डुपर हिट होगी, उसके तो पैसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो जाएंगे प्रोड्यूसर की जेब में। लेकिन हम आपको आज यहाँ बैठे बिठाए जीतने का मौका दे रहे हैं बहुत सारे पैसे। तो हमारा यहाँ पे खेल होता है के भैल करोड़पति। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों और सज्जनों की सज्जनियों। रफ्तार कम ना होने दें जीवन की गति में, बॉयफ्रेंड कभी ना ढूंढे आप अपने पति में। वाह वाह, हम हैं बच्चा यादव, स्वागत करते हैं के भैल करोड़पति में। आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारे फ्रॉम द फिल्म लुका छुपी। yes. और ये हमारे एक्सपर्ट सपना लुक्की। ए लुक्की, काहे को बोला रे? है? मैंने कौन सा तेरे तबेले में घुस के तेरा पनीर फाड़ दिया? ये लुक्की बोल रहे ले, जास्ती बोलना नहीं। अगर मेरी सटकेगी ना सीधा उठा के पटकेगी। बात क्या बोलती है, है? मेरे पति को मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, समझी? नहीं पहनी? क्यों, पैसे नहीं देता तेरे को चूड़ी पहनने के लिए? मेरे पास तो चूड़ी है, कान का है, मांग टीका है। मुझे अभी के अभी अभी के अभी महंगे गहने चाहिए, वरना इसको पैसे दे के आपको पिटवाऊंगी मैं, मुझे नहीं पता। पकड़ना। इतना तो मैं गिर भी नहीं रही जितना पकड़ रहे हो। एक तो हमने यार भाई जैसी बीवी पाई है, आते जाते धमकी देती रहती है। समझ सकता हूँ, टफ लाइफ यार। कर कोई बात नहीं। ये खेला मैं आपको बता दें कि ये आपके साथ रहेंगी तितली, आप जोड़ीदार हैं यहाँ पर, तो आप साथ में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए खेला शुरू। एक मिनट,
क्या बोला आपने? आप जोड़ीदार रहेंगे इनकी। मैं गिर मत जाना तितली। और कार्तिक जोड़ीदार। हाय रब्बा, कबूल है कबूल है, कुछ करवा दो यार, जोड़ी बन गई। अरे भाइयों, बस 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 बस, इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है सर। मैं सीरियस हो ही नहीं रहा। आपकी बीवी है? हमारी बीवी आई है। ये आपकी बीवी है? आपकी बीवी थी। तो कबूले कबूले करवा दूं, कहां से आ गया फिर? कबूले कर चुके हम। हो गया 11, अब 12 13 14 इधर जोड़ी बना दी यार, जोड़ी बना। आओ बेबी, अब पकड़ सकते हो अच्छे से। अच्छे से अब बैठ। ठीक है, अगर ऊपर वाले का यही फैसला है तो ठीक है, हमें भी कृति सैनन मंजूर है। मंजूर है, लेकिन मुझे कबूल नहीं है। ए उबले हुए दरियाई घोड़े, तेरी बीबी तो पहले से सेट के लिए, तू काहे को सटक रहे रे? हट ए खुकार औरत, हमको क्या समझा रहे हो यार, उसको समझाओ ना। अब क्या समझाए बच्चा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो रब ने बना दी जोड़ी। बस बस बस, अब सब कुछ हो गया है। आए ऊपर वाले ने हमको ना कुछ सोच के जोड़ी बनाई है। कुछ तो सोचा ही होगा। ऊपर वाले ने ना कार्तिक को बहुत अच्छे से बनाए लाए, तेरे जैसे लोग को ना ऊपर वाले से थैली में डाल के ऊपर से फेंक देता है। जब दो लोग मलेरिया बुखार में हनीमून पे जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ऊट पटांग बात करने वाला पागल बच्चा ही पैदा होता है। और जो लोग एसिडिटी में हनीमून पे जाते हैं ना, ऐसे फुगेले बच्चे पैदा होते हैं। Be careful, anything can happen. Hello. Hello. सोनी साहब, आज जब बाहर किसी का फायदा गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। हाँ उसको बता देना, कहीं वो मेरा फायदा ना उठा ले। हाँ ठीक है। ओ माई गॉड, इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, मेरा फायदा उठा लो प्लीज। मैं सच बताऊं कृति, आपको देख के मैं सनन रह गया। आपको देख के मुझे वो गाना याद आ गया। कौन सा है? चले जब हवाएं सनन सनन। जब भी वो गाना मैं सुनता हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए शादी कर लेता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी तरफ से आपको हाँ है। इंजॉय। कोई मेरी हाँ पूछेगा? करेक्ट है यार, अपनी उम्र देखिए क्या आपने। तेरे घर में बाप भाई नहीं है, दूसरे मर्दों की उम्र देखता है। और कैसे नॉनसेंस अंकल? हेलो एक्स्ट्रा ग्रोथ लड़की। एक बार इस अनप्लान्ड चाइल्ड के लिए जोरदार तालियां। आप राजेश अरोड़ा के कलेश अरोड़ा हैं यार, क्या कुछ भी बातें किए जा रहे हैं। कृति जी क्या सोचेंगी? कृति आप एक बार मुझे हाँ कह दो, मैं आपको तुरंत ना कह दूंगा, क्योंकि मेरी ना में मेरी हाँ है। कार्तिक के पापा डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मुझे आपसे बड़ी कंप्लेंट है, बड़े चलाक होते डॉक्टर। क्यों? अच्छा अपने बच्चे इतने प्यारे पैदा करते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं कौन सी दवाई देते, पता नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको नियम बता दें। इस खेल का एक ही नियम है, अगर सवाल का जवाब सही हुआ तो कृति आप मुझे हक देंगी, अगर गलत हुआ मैं आपको हक दूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? तुम हगो। हगोड़ा कहेगा। एक मिनट अंकल जी, पहले आप अपनी मुछें बना लो, क्योंकि नूडल्स की तरह आपकी आंखों में और नाकों में घुस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन हिमाचली मोमो। शुक्र कर आज मुझे जुकाम नहीं है, नहीं तो ग्रेवी वाली छींक तेरे मुंह पे मारता। आज तू कर गए। इनकी बातें तो चलती रहेंगी, हम खेला शुरू करते हैं। खेलते खेलते तो सबसे पहला सवाल
आपके लिए 375 रुपए 50 पैसे और एक प्लेट गीरा राइस के लिए। अबे ओ भैंस की पूंछ पे लटके बंदर, गीरा राइस नहीं जीरा राइस रहता है। लेकिन हमारा गीरा राइस यार बाहर गिर गया था, वही उठा के दे रहे हैं उनको। ये तो शुक्र है हम आपको गीरा राइस दे रहे हैं, पिछली बार जो आए थे हमने उनको कीड़ा राइस दिया था। हमारा चलता है यार। तो लीजिए सबसे पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, दूध क्यों फटता है? अच्छा, ऑप्शन ए, दूध की सिलाई कमजोर है इसलिए फट जाता है। बी, उबलता है इसलिए गुस्से से फट जाता है। सी, दूध को एसिडिटी हो जाती है इसलिए फट जाता है। या डी, दूध अपना खुद का भाव देखता है और देखते ही फट जाता है, इतना महंगा, बताइए। देखिए डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, बहुत डिफिकल्ट। तितली तुम बताओ, कुछ हेल्प करो जरा। मुझे लगता है कि दूध पनीर के लिए फटता है। सच में दूध पनीर के लिए फटता है। गॉड, ये खाने वाला रोमांस मैंने पहली बार देखा है। अंकल मैं आपको एक सजेशन दूं, अपना सुबह भोर में उठने का 4 बजे उड़द की दाल रहती है ना, वो 10 किलो ऐसे पत्थर पे पीसा करो, उससे क्या होगा, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा जैसे आप हम लोग का करते हैं ना। चलिए इनकी सारी बातें इग्नोर कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे ऐसा लगता है बी, गुस्से से फट जाता है, क्योंकि उबलता तो है ही ना फटने से पहले, है ना। सही जवाब, ले लीजिए यार 375 रुपए 50 पैसे जीत गए हैं आप। गीरा राइस मिल गया। हाँ, गीरा राइस आपको मिलेगा, जैसा ही शो खत्म होगा पार्सल किया जाएगा, आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। डोंट यू वरी, ये पैसा भी अभी हम अपने पास रख रहे हैं, बाद में आपको दे देंगे, हैव फेथ ऑन अस, हम देंगे। ये लीजिए, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो तू की पूछ रहा जाड़िए, इनको पढ़ने दे अपने आप। एक तो हम उनकी मदद कर रहे हैं यार, मदद कर रहा है वो, दूसरे कंट्री से आए पागल कहीं का। तो ये लीजिए, हमें बताइए कि कार्तिक रात को सोने से पहले क्या करते हैं। ये तो तुझे पता होगा ना, ये मेरे से भी सवाल, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ओके, ऑप्शन भी हम ही दे रहे हैं आपको। ओके, बताइए हमें। ऑप्शन ए, जो काम कोई नहीं करता वो काम ये करते हैं। ऑप्शन बी, जो काम सब करते हैं ये भी वही काम करते हैं। ये क्या है ऑप्शन, सभी करते हैं। ऑप्शन सी, इस उम्र के लड़के जो ज्यादातर करते हैं ये भी वही काम करते हैं। या ऑप्शन डी, ये अपने काम से काम रखते हैं इसलिए कोई काम नहीं करते। ये तो मुझे नहीं लगता होगा, ऑप्शन डी नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन सी है, सी, जो सारे इस उम्र के लड़के करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको कैसे पता होगा, लड़के करते हैं ना। अच्छा आप जल्दी जवाब दे दो, फिर 9 से लेके 1:30 बजे तक किसका टॉयलेट जाने का टाइम होता है। देखिए आप ना एक ऑडियंस पोल कर लीजिए। मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, फोन कीजिए और ऑडियंस पोल मंगाइए आप। है ऑडियंस पोल लाओ, बोलिए फ्रेंड को, ये फ्रेंड है आपका, इसका वायर तो लग वो छोड़ो। हाय फ्रेंड, हाँ मुझे ऑडियंस पोल देना जरा। मांग लिया इन्होंने, लाइए ऑडियंस पोल, आएगा आएगा ऑडियंस पोल। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अपने पैरों से चल के आएगा वो। ऑडियंस पोल। अभी क्या करें पोल का, अभी म्यूजिक बजेगा और आपको ऑडियंस पोल पे नाचना है। इसी तरीके से जवाब सामने आएगा। आई आई आई। आपको ऑडियंस पोल भी वो करना है जो इस उम्र के लड़के कहते हैं। चलो फिर ये वही बात होगी। दूध पनीर के लिए ही फटता है। यार कितना अच्छा किया इन्होंने,
किसने कहा था हीरो बनने को चोर नहीं बन सकते थे? एक चुरा रहा हूँ ना आपका दिल। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा था। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं ये मंगलसूत्र भी अपना ही लेके आऊंगी, कोई खर्चा नहीं। इसीलिए मैंने लिव इन किया था, क्योंकि हरकतें पता चल जाती है फिर। तुम पोल डांस करती हुई बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी। मेरे को पसंद ही नहीं आई बिल्कुल भी ज्यादा। वो नफरत हो गई मुझे तुमसे। उनको मुंह तोड़ जवाब दो। वो जो आपने हाथ लगाया ना बहुत, वो दुख रहा है। अच्छा, और जो मैंने नीचे से धक्का लगाया और हड्डियां चुभी, जो मेरी उंगलियों का हाल हुआ, उसका किसी ने कुछ नहीं पूछा। भाभी, हर किसी के पास आपके पति की तरह चार पिछवाड़े नहीं होते। दो कुर्सी पे रखे, दो नीचे लटक रहे। ओह गॉड। तो भाई क्या करते थे रात को सोने से पहले? मैं बताता हूँ। बात हो गया। समझ गए बच्चा, समझ गए ना? मैं सोने से पहले अपने सपने प्लान करता हूँ। अच्छा। क्योंकि कई बार अच्छे सपने आ जाते हैं। हाँ। लेकिन मुझे पसंद है गंदे वाले। मतलब डरावने वाले। उसमें सुसु करने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डर के मारे वैसे निकल जाता है। आप उठो सुबह तो नींद पूरी हो चुकी होती है। अंकल, आपको पता है एक दिन ना एक चूहा रहता है। अच्छा। वो पाव भाजी खाने के लिए मीरा रोड जाते हैं। फिर ऐसा टीले पे ना सांबा बैठा होता है। अच्छा। वो बोलता है कितने आदमी थे। कितने? फिर उसको देखकर सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारता है। अच्छा। फिर सामने से रजनीकांत आता है, बोलते इधर लाएंगे तो मुन्नाड़ी सोले ले उंगलेंगे। ये क्या बात, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सेम टू तुम्हारा भी ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। ये था जवाब, मजा ही आ गया। तू क्यों हंस रही है बीन बैग? कार्तिक। हाँ। मुझे यार, मुझे मत छुआ, मुझे खुद खुदी हो। यार आप जैसे क्यूट लोगों ने ना, हम जैसे लोगों का जीना हराम कर रखा है। सॉरी सॉरी सॉरी। स्टॉप बीइंग टची इन ऑल। ये उड़ेगा अभी, उड़ेगा ये, गड़बड़ है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, आपको पता नहीं है? अभी धोती में हवा भरेगा, उड़ेगा ये। ये चोंच मारेगा ऊपर, छत फाड़ के निकल जाएगा। ये क्या, कहां से लाते हैं आप? कर छोड़िए, खेला आगे बढ़ाते हैं। हाँ। और कितना बढ़ाओगे आगे? तुम्हारा पेट कंप्यूटर की टच स्क्रीन पे टच कर रहा है। आपको पता है इसकी दो नाभियां हैं। एक नाभि नॉर्मल, दूसरी मोटरसाइकिल खड़ा करता है ये। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारा एक भी सवाल पसंद नहीं आया। मेरे को इतने जरूरी काम से सोना था, मैं सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जरूरी काम से सोना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, खेले में मजा आ गया यार, इतना सारा जीते आप, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया।